हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करके दिखाएंगे कैनन 3000D DSLR कैमरे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा कैनन 3000D DSLR मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। चाहे आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेज कर लीजिए, चाहे आप इसको अमेजोन से परचेज कर लीजिए। Yeah.
कैमरा ऑन हो चुका है। ये देखिए, बस इसको प्रेस कर दिया हमारा आपका इमेज क्वालिटी पे चला गया है। अब हम इसमें अपना लेंस ऐड करते हैं, जिससे हमारा इसमें पिक को हम पिक करना स्टार्ट करेंगे। हम अपना यहाँ पे लेंस ऐड करेंगे। लेंस जो हमारा लेंस किट के साथ मिला हुआ है वो ये है।
आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ फ्लिपकार्ट राउटर F3 और इसको सेटअप करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इसको हम अपने लैन से इंटरनेट को वाईफाई से वायरलेस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा वाईफाई राउटर टेंडर F3 जो मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से, इसका प्राइस अभी आपको मिलेगा कम से कम 1000 पर। मैंने इसको परचेज किया है 900 में क्योंकि सेल चल रही थी अभी। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी जल्दी। टेंडा है वायरलेस N3000 EG सेटअप राउटर, इसका मॉडल है F3, कंट्री है आपकी चाइना की और ये आपका जो मैन्युफैक्चर हुआ है ये न्यू दिल्ली के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है। और अब इसकी जल्दी जल्दी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं ये क्या है इसके अंदर। जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होगी हमें सेटअप करने के लिए, इसके लिए कम से कम विंडो 2000 सर्वर वाली होनी चाहिए और जो इसको इसका आपको जिस पे आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे उसका जो क्रोम होगा तो वो आपका इंटरनल एक्सप्लोरर 5.0 होना चाहिए उसका वर्जन कम से कम, या फायरफॉक्स 1.0 होना चाहिए। जो भी लेटेस्ट अपग्रेड आपके पास ब्राउजर होगा उसमें आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और साथ ही आपको आपके सिस्टम में एक नेटवर्क कार्ड भी चाहिए इंस्टॉल जिससे आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे। अब आपकी फीचर क्या क्या है इसमें, जो वायरलेस रेट है, वायरलेस रेट मतलब जैसे आप लैन से आपको अपना वाईफाई राउटर को कनेक्ट करेंगे तो वो कितने MB तक स्पीड को आपको देगा, तो आपकी वो मैक्सिमम स्पीड होगी आपकी 300 Mbps per second, मतलब 300 Mbps की स्पीड से आपको वायरलेस में नेटवर्क बना के देगा। और स्ट्रीमिंग जो होगी इस राउटर से आपकी होगी वो HD होगी वीडियो में, और आपका क्या होगा बैंडविड्थ होगी वो बेटर रहेगी। अदरवाइज जो इससे ऊपर के नेटवर्क राउटर आते हैं उसमें आपकी बैंडविड्थ जो होगी वो आपकी गुड होगी, बेटर होगी और फास्ट होगी। सपोर्ट क्या क्या करता है सिक्योरिटी को, ये WPA, WPA2 और WPSK, WPA2, PSK। ये मैं आपको अगली अपनी वीडियो में बताऊंगा WPA, WPA2, WPSK, WPSK2 सिक्योरिटी क्या होती है। ये IP बेस्ड बैंडविड्थ कंट्रोल अलाउज करता है, मतलब क्या होता है जब आप राउटर कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आप अपनी IP के होल्डिंग अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप जिसको चाहे उसको अपनी IP प्रोवाइड कर सकते हैं और जिसको चाहे उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो देखिए ये तो इसकी स्पेसिफिकेशन थी, की फीचर था और आपको क्या क्या इसमें बॉक्स में दिया हुआ है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका टेंडर राउटर, इसमें आपको क्या है कंट्री कहाँ कहाँ है वो ये देखिए यहाँ पे आप एक नीचे एक बार। टेंडर राउटर के तीन मॉडल है, एक है N301, एक F3 और एक FH456। इसमें जो आपका F3 है वो मिडिल में आता है क्योंकि आपका बेटर है सबसे, चाहे वो वायरलेस स्पीड में हो, एंटीना रेंज में हो, या आपका म्यूजिक वीडियो स्ट्रीमिंग में आए या ऑनलाइन गेमिंग में आए, वो बेटर है। अगर इससे भी बेटर चाहिए तो आपको मॉडल लेना होगा FH456 जो इस F3 से भी बेस्ट है। जल्दी जल्दी अब हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखिए साथ में अपने यहाँ पे की फीचर भी दिखाया हुआ है कि क्या 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 कैसे कनेक्ट करना है कैसे नहीं, और मैं आपको अंदर भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं अंदर। टेंडर राउटर की अनबॉक्सिंग भी कर ली है और उसमें सबसे पहले हमें क्या मिलता है, कार्ड मिलती है जिससे आप राउटर कॉन्फिगर कर सकते हैं या उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है आप इसमें चेकआउट कर लेते हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले मिला है एक चार्जर, एक चार्जर आपके पास है जिससे आप राउटर को चार्ज करेंगे। ये नीचे पे मिला है हम आपको, ये देखिए ये आपका टेंडर राउटर हो गया, इसको भी साइड में रख देते हैं। और जिसके साथ में चेकरीज मिली है इसमें, ये देखिए हमें इंटरनेट केबल मिला है जिससे हम अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, ये भी हम साइड में रख देते हैं। अब हमारा मेन जो है वो है टेंडर राउटर, इन एंटीनों को क्या काम है। सबसे
प्राइसिंग इसकी रेंज है, ऐसे आपका सामने चली जाएगी रेंज, ऐसे करने से आपकी इस साइड रेंज जाएगी, ऐसे करने से आपकी इस साइड रेंज, आप चाहे जिस ड्रैक्सिंग रेंज चाहते हैं उस ड्रैक्सिंग में इसको कर सकते हैं, चाहे तीनों की स्पीड एक रन चाहते हो तीनों की स्पीड एक रेंज में जाएगी। चलो देखते हैं इसमें और फीचर क्या क्या है। तो देखिए हम इसको बैक साइड से देखते हैं कौन कौन से पोर्ट हैं, ये देखिए पहला पोर्ट है आपका वैन का और तीन पोर्ट है आपके लैन पोर्ट, एक आपका है पावर पोर्ट और एक आपका है WPS या रिस्टार्ट। जब आपके राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और कभी ऐसा होता है आपका लॉगिन और पिन होने और भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पे इसको पिन से प्रेस करके कम से कम आपको 8 सेकंड प्रेस करना होगा। 8 सेकंड प्रेस करने के बाद आपका राउटर रिस्टार्ट होगा, मतलब जैसे मैं आपको अभी राउटर एकदम फ्रेश राउटर हो जाएगा, आपका उसकी कॉन्फ़िगरेशन फ्रेश हो जाएगी, लॉगिन पासवर्ड रहेगा। अब देखिए वैन पोर्ट क्या होता है, वैन पोर्ट क्या होता है, सेम ही है जो कि एडमिन रहता है सभी राउटर का, टेंडा हो या टीपी लिंक हो किसी का भी हो उसका सेम ही रहता है, मैक्सिमम एडमिन ही रहेगा यूजरनेम और पासवर्ड फर्स्ट टाइम। बाद में आप इसको चाहे चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बाद, और पावर कितनी चाहिए इसके लिए 10 वोल्ट और जो इसकी एम्पीयर 600 एम्पीयर ले रहा है का मैक, मैक का काम आपको यहाँ पे तो कुछ काम नहीं है। अगर वायरलेस का अगर किसी कंपनी में आप इस मैक को ऐड कर रहे हैं राउटर को आप तो इस मैक का बहुत ही जरूरी है, तो आपको इसको मैं ना अगली वीडियो में दिखाऊंगा, इसको अपनी कंपनी के अंदर इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि इस मैक का यूज कहाँ है और कैसे यूज करते हैं, WPS पिन क्या है। अगर आप चाहते हैं कि हमें पासवर्ड नहीं भूलें तो इसको WPS ये राउटर है, इसको पिन जब क्लिक करते हैं तो आप अपने मोबाइल को WPS से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए पिन मांगता है, पिन आपके लिए तो क्या आपकी टेंडर राउटर की अनबॉक्सिंग। अब मैं आपको अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि टेंडर राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो दोस्तों आप चाहे किसी भी राउटर को, चाहे वो डी लिंक का हो, टीपी लिंक का हो या MI का हो या आप टेंडर का हो, सबको कॉन्फ़िगर करना सेम ही है। आज मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा अपना टेंडर राउटर को, चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने टेंडर राउटर की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी और इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर को बताया था। अब मैं आपको इसको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि फर्स्ट टाइम आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो देखिए दोस्तों ये हमारा टेंडर राउटर कंपनी का
F3 मॉडल है और आज हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। देखिए बैक साइड पे हमारे पास क्या है, ये वायरलेस N300 इजी सेटअप राउटर है मॉडल F3 और जो IP एड्रेस है 192.168.0.1, इसका यूज करके हम अपने राउटर को एक्सेस करेंगे। वो चाहे फ़ोन में कर सकते हैं हम या अपने किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। और लॉगिन पासवर्ड हमारा सा सेम ही रहेगा, फर्स्ट टाइम जो है आपका एडमिन है तो लॉगिन भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको इसको कॉन्फ़िगर करना सिखाते हैं कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो देखिए दोस्तों हमारी राउटर के साथ जो एक्सेसरीज में आया था, पहले एक तो राउटर था और ये हमारा चार्जर है। अब हम अपने चार्जर को चार्जर पॉइंट पर लगाएंगे। और साथ में देखिए हमारे पास ये चार पोर्ट हैं, इसमें पहला पोर्ट है आपका वैन पोर्ट और बाकी तीन पोर्ट जो हैं आपके ये हैं हमारे लैन पोर्ट। इन्हीं तीन लैन पोर्ट में हम किसी भी पोर्ट पर लगा के अपने राउटर को एक्सेस करेंगे बाय लैपटॉप या कंप्यूटर। तो देखिए दोस्तों ये हमारी इथरनेट केबल है जिसके दोनों साइड हमारा RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है। हम इस कनेक्टर को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के लैन पोर्ट में लगाएंगे और दूसरा पोर्ट राउटर के लैन पोर्ट में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने अपनी इथरनेट केबल वन साइड से सिस्टम में और वन साइड से अपने राउटर के लैन पोर्ट के पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्ट कर दिया है। इथरनेट केबल कनेक्ट करने के बाद हम अपने वैन पोर्ट में अपनी जो सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड की होगी केबल उसको कनेक्ट करेंगे। ये आपकी RJ45 कनेक्टर टाइप में हो सकती है या किसी और टाइप में भी हो सकती है। तो हम इसको अपने वैन पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। चलिए कनेक्ट कर लेते हैं अपने वैन पोर्ट पे। तो देखिए दोस्तों वैन केबल कनेक्ट होने के बाद हम अपने चार्जर को कनेक्ट करेंगे और अपने राउटर को स्टार्ट करते हैं। चलिए राउटर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों राउटर को स्टार्ट हो गया है और सिस्टम की लाइट ब्लिंक करने लगी है। अब एक एक करके हमारी सारी लाइट ब्लिंक करेंगी। ये देखिए दोस्तों हमारी लाइटें ब्लिंक करने लगी है। अब देखिए दोस्तों जो जो लाइट ब्लिंक कर रही है बताता हूँ कौन कौन सी है। ये जो सबसे पहली सिस्टम के साइड में वाईफाई वाली है, इसका मतलब क्या है, आपका लैन जो कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गया है वाईफाई में, तो आपके मोबाइल में सिस्टम में वाईफाई सिग्नल आने लगेगा। ये लैन 3 केबल है और वैन केबल है, मतलब जो हमारी वैन केबल कनेक्ट है वो ऑन हो गई है और इथरनेट केबल जिससे कनेक्ट है वो लाइट ब्लिंक होने स्टार्ट हो गई है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं राउटर को मोबाइल से कैसे कॉन्फ़िगर करें वो सिखाऊंगा। डेस्कटॉप और लैपटॉप से मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उसको एक्सेस करेंगे। आज मैं आपको फ़ोन से कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो दिखाता हूं। तो आप सिंपली अपने फ़ोन में वाईफाई के ऑप्शन को ऑन कीजिएगा। तो आप देखेंगे आपको जो आपका राउटर है उसके नाम से सिग्नल रिसीव होगा, आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। अगर कनेक्ट होने के बाद ये आपको ऑटोमेटिकली ब्राउजर में ले जाएगा। देखिए ब्राउजर ले जाने के बाद आपको ये डायरेक्टली 192.168.0.1 पे आपको एक्सेस दे रहा है। उसमें आपको कोई लॉगिन पासवर्ड डालने की भी ज़रूरत नहीं हुई फर्स्ट टाइम। अगर आपसे कभी मांगे ये फर्स्ट टाइम लॉगिन पासवर्ड तो आपका लॉगिन पासवर्ड जो सेम रहेगा आपका एडमिन ही रहेगा। तो अब चलिए जल्दी जल्दी हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और अपना इंटरनेट एक्सेस करके दिखा देखते हैं। ये दोस्तों हम अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम मैन्युअली अपनी IP डालेंगे, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे जो भी हम प्रोवाइड है हमें प्रोवाइडर से हुआ है या अपनी कंपनी में पता है वो हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटिक IP यूज करते हैं, जो IP एड्रेस है हमारी जो हमें वेंडर से मिली हुई है या हमें अपनी कंपनी में यूज की हुई है। मैंने अपनी IP डाली है, उसके बाद मैं अपना सबनेट मास्क यूज करूंगा। जो कि मेरा सबनेट मास्क है 225.255.255.0। इसके बाद मैं अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे दूंगा जो कि हमारा IP के बेस पे होता है 10.21.8.1। उसके बाद जो हमारा प्रेफर्ड DNS है, जो DNS आप यूज कर रहे हो या कम्वेंडर बता रहा है आपको वो ही डाल सकते हैं आप। जो मेरी कंपनी में यूज़ रहा है 16400.3.1।
नेक्स्ट आपका DNS है 164.100.17.3। नेक्स्ट करने के बाद आपको आता है वायरलेस सेटिंग, जो आपको वाईफाई नेम है। आप चाहे अपने यहाँ से वाईफाई नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम HP प्रिंटर रख लिया है और वाईफाई पासवर्ड सेट कर दिया है। जैसे मैं अपना वाईफाई पासवर्ड देता हूँ 1234567878। इन्हें चेंज करने के बाद आप सेटिंग को सिर्फ ओके करना, तो आपका वाईफाई राउटर कॉन्फ़िगरेशन डन हो जाएगी। अब देखिए, अब आपका टेंडा के नाम से नहीं आएगा, अब आपका राउटर HP प्रिंटर के नाम से आपका सिग्नल शो करेगा। तो चलिए हम आपको चेक करा देते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट हुई है या नहीं। तो देखिए, मेरा राउटर यहाँ से डिसकनेक्ट हो गया था, तो मैं अब दोबारा जाके अपना डिसकनेक्ट करूँगा। तो देखिए, आपका टेंडा नहीं था, अब आप HP प्रिंटर है, तो इसमें आप अपना पासवर्ड डाल लीजिए जो आपने पासवर्ड दिया था और कनेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, मेरा राउटर कनेक्ट हो चुका है दोबारा, और देखिए मेरा इंटरनेट भी चल गया है, मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं मेरे। और आपको मैं चेक भी करा देता हूँ। हम अपने ब्राउजर के अंदर यूट्यूब टाइप करते हैं, तो देखिए हमारा इंटरनेट वर्किंग है और हमारी यूट्यूब ओपन होने लगी है। आपको मैं कुछ वीडियो चला के भी दिखा देता हूँ कि इंटरनेट वर्किंग है, सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, मैंने कोई भी एक वीडियो आप ले लेना, मैंने अपनी एक वीडियो सेलेक्ट की है और उसको मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ इंटरनेट वर्किंग है या नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है और आपको ऊपर आइकन भी दिख रहा है वाईफाई का, उसकी स्पीड भी आपको दिख रही है कि कितना स्पीड हमारा दे रहा है राउटर। तो पहला फीचर आपका ये है कि आप अपने राउटर की रेंज कैसे इंक्रीज करेंगे विदाउट किसी केबल के। और दूसरा फीचर ये है आपके राउटर के अंदर आप दो राउटर को एक साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, चाहे वो केबल से कनेक्ट करना हो या फिर विदाउट केबल के कैसे कनेक्ट करेंगे। और तो कनेक्ट करने के बाद आप अपने राउटर के सिग्नल की स्पीड को और उसकी रेंज को कैसे इंक्रीज करेंगे, वो हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए, जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। लेटेस्ट राउटर में एक न्यू फीचर ऐड हुआ है, वो है वायरलेस रिपीटर। वायरलेस रिपीटर में आप अपने राउटर की रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी आप या तो आप केबल के यूज करके भी कर सकते हैं जो पुराना मेथड है, या आप विदाउट केबल के भी अपने राउटर की रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट फीचर अभी ऐड हुआ है हाल ही में, तो आप इसे यूज कर सकते हैं और अपने राउटर की रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। हम आज आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं कि आपको इस फीचर को कैसे यूज़ करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास टेंडा राउटर है और इसका मॉडल है F3। ठीक है दोस्तों, तो हम आज आप इसके यूज करके आपको अपने कनेक्शन की रेंज को इंक्रीज करके दिखाएंगे कि हम अपने राउटर के वाईफाई के सिग्नल की रेंज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो आप फर्स्ट फ्लोर पे हो और आप चाहते हो कि आपकी रेंज जो वाईफाई की रेंज है फर्स्ट फ्लोर से इंक्रीज होके आपके फोर्थ फ्लोर तक जाए, या आपके किसी एक कोलीग के घर पे आपके राउटर की रेंज चली जाए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आज हम आपको उस वीडियो में पूरा दिखाएंगे कि आप कैसे अपने राउटर की रेंज को इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें आपको एक एक्स्ट्रा राउटर चाहिए। जो राउटर है आपका वो लगा हुआ होगा आपका, या तो आपको कोलीग के या फ्रेंड के घर पे हो, या आपके फर्स्ट फ्लोर पे घर में ग्राउंड फ्लोर पे लगा हो, तो आपको एक नया राउटर लेना होगा जो लेटेस्ट फीचर होगा। तो उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा वायरलेस रिपीटर का, तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मेरा राउटर है, मैंने भी न्यू परचेज किया है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि मैं इससे अपने दोस्त के वाईफाई की रेंज कैसे इंक्रीज करूँगा अपने घर पे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा राउटर है, मैंने इसको ऑन किया हुआ है। अभी मेरे पास ऑन करने के बाद सिस्टम लाइट और वाईफाई की लाइट, मतलब ये वायरलेस बना रहा है सिग्नल को, पर अभी हमारी क्या है
अभी हमारा इंटरनेट वर्किंग नहीं होगा क्योंकि अभी न्यू राउटर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने बैक साइड में देखेंगे और बैक साइड में आईपी एड्रेस है जिससे आप लॉगिन करेंगे राउटर को 192.168.0.1, और जो लॉगिन पासवर्ड होगा वो डिफ़ॉल्ट होगा एडमिन। पर फर्स्ट टाइम आपसे ये पूछेगा नहीं, अगर कभी आपसे पूछने लगे तो आपका लॉगिन पासवर्ड हमेशा एडमिन ही रहेगा जब तक आप अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, अपनी एक इथरनेट केबल लेंगे। इथरनेट केबल आप अपने राउटर के किसी भी लैन पोर्ट में लगा दीजिए, लैन पोर्ट में नहीं लगानी है, सिंपल लैन पोर्ट में लगानी है आपको। तो मैं अपनी इथरनेट केबल का एक RJ45 कनेक्टर लैन पोर्ट में कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए पोर्ट नंबर 2 है ये। अब इसको अपने लैपटॉप के लैन पोर्ट में लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने कनेक्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना राउटर का IP 192.168.0.1। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आपका क्लिक करता हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम आपका राउटर का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। जब आप लैन से कनेक्शन करेंगे तो आपको इंटरनेट प्रोवाइडर आपको आप एक यूज़र नेम और पासवर्ड देगा जिसका आपसे जिससे आपका इंटरनेट वर्क होगा। और ये वायरलेस सेटिंग क्या है, ये आपके राउटर की है। मैं क्या करता हूँ अपना वाईफाई का नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने अपने वाईफाई का नाम रख दिया है कलका नगरी, और वाईफाई का पासवर्ड है हमारा 1234567812। ठीक है दोस्तों, और इसको जैसे ओके करेंगे, देखिए क्योंकि ये हमारा कनेक्शन टाइप PPOE है तो ये आपका यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, तो हमें इस पर नहीं जाना है, हमें अपने डायनेमिक पे जाना है। स्टेटिक में हमारा स्टेटिक हमें डायरेक्ट IP डालनी होगी, तो हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ डायनेमिक लेना है पलगा नगरी। और पासवर्ड आप चेक कर लीजिए एक बार क्या क्या है आपका 1234567812। इसको आप ओके करें, ये आपकी सेटिंग सेव हो गई। मतलब आपका वाईफाई का नेम अब जो भी शो करेगा आपका पलगा नगरी करेगा, जैसे मेरा पलगा नगरी शो करेगा, और आपका जो आप देंगे वही शो करेगा। अब देखिए आप यहाँ पे मेरे डिवाइस है कि डिवाइस कनेक्ट है राउटर से नहीं है, कितने हैं ये सब दिखाएगा आपको, और ये इंटरनेट से क्या है डिसकनेक्ट है, अभी कोई इंटरनेट वर्किंग नहीं है। अब मैं पूछूं क्या करते हैं, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन है आपका वायरलेस रिपीटिंग। वायरलेस रिपीटिंग में क्या होता है, आपके पास अभी डिसेबल है वो, और आपके पास तीन मोड होते हैं WISP, यूनिवर्सल रिपीटर और AP मोड। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ ये होते क्या हैं। WISP मोड होता क्या है, आपके पास आपके किसी राउटर के सिग्नल आ रहे हैं, मान लीजिए आपके घर पे किसी के आपके फ्रेंड के सिग्नल आ रहे हैं वाईफाई की, आप चाहते हैं कि आपके पास वो राउटर के सिग्नल और बूस्ट हो, मतलब आपके पास और ज़्यादा आए। अभी तो आपके पास एक या दो आ रहे हैं, आप चाहते हैं इसको इंक्रीज करना कि आपके पूरे घर में पूरा फ्लोर पे पूरा आपके हाउस के अंदर और राउटर के सिग्नल अच्छे आएँ, तो आप यहाँ पे WISP मोड यूज कर सकते हैं। या फिर आपका घर है जैसे आपके ग्राउंड फ्लोर पे आपका एक राउटर लगा हुआ है तो आपके थर्ड फ्लोर तक से सिग्नल नहीं पहुँच पाते, तो आप यहाँ पे भी इसका वायरलेस रिपीटिंग का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई वायर की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको अपने दोनों राउटर को कनेक्ट करने के लिए कोई वायर चाहिए, ये आपका सिंपल वायरलेस रहेगा। आपको कोई राउटर के लिए इथरनेट केबल नहीं लगानी होगी एक्स्ट्रा जिससे आप दोनों राउटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो WISP मोड में आपको क्या मिलता है, सिग्नल जो आपका ये आपके फ्रेंड्स का या आपके दूसरे राउटर का कैच करेगा और उसको बूस्ट करके आपको आगे फॉरवर्ड करेगा। जब आप सिग्नल को आप अपने फ्रेंड के सिग्नल को कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको एक न्यू वाईफाई नेम या SSID होती है जो वो आपका जो ये राउटर होगा उसका आपको शो करेगा, और पासवर्ड भी आपके इसी राउटर का लेगा जो आपने सिग्नल रिपीटिंग में यूज किया है। एंड ऑप्शन आता है आपका
यूनिवर्सल रिपीटर। यूनिवर्सल रिपीटर आपका सेम ही होता है ये WIPS की तरह, बट इसमें डिफरेंस ये होता है, इसमें जो आपका वाईफाई जो सिग्नल बूस्ट होगा वो किस नेम से होगा, वो आपके जो मेन राउटर है ना, जो आपका मेन राउटर होगा उसी के नाम से रिपीट होगा, और पासवर्ड भी आपका उसी का ही लेगा जो आप अपने कनेक्शन में जब अपने फ़ोन वगैरह मोबाइल में डालेंगे, तो आपका वही जो सेम आपका फर्स्ट राउटर का वो सिग्नल और जो फर्स्ट राउटर का आपका वाईफाई नेम होगा वही शो होगा, और आपका पासवर्ड भी वही रहेगा। इस राउटर से हमारे न्यू राउटर से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ ये बूस्टिंग का काम करेगा इस मोड में। API मोड क्या होता है? API मोड में हमारा वायरलेस का कोई काम नहीं होता, ये सिंपल आपके दो राउटर को केबल के थ्रू कनेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, इफ़ आप राउटर को वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो ये आपका मेन राउटर से सर्विस लेगा और आगे आपको वायरलेस के थ्रू प्रोवाइड करेगा। मीन्स आपको ये सिग्नल तो एक्सटेंड करके देगा ही देगा, पर जो IP यूज होगा इसमें वो आपके मेन राउटर का होगा। सिर्फ फर्क इतना है, पर आज की वीडियो में आपको सिर्फ मैं वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको दो राउटर को, कि आप अपने दो राउटर कनेक्ट करके अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ को कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो इसके लिए मैं आज यूज कर रहा हूँ आपका, फर्स्ट यूज कर रहा हूँ आपका WISP मोड। देखिए मेरा WISP मोड है, इसमें आपको शो हो रहा होगा बेसिक स्टेशन वाईफाई नेम, अभी कोई नहीं है, कनेक्शन स्टेटस डिस्कनेक्ट है अभी आपका, सिलेक्ट वाईफाई नेटवर्क आपके ये आ रहे, मेरे पास जो रेंज हो रही है BK केबल ब्रॉडबैंड आ रहा है, PE नाम से आ रहा है, बीमल चौहान के नाम से आ रहा है, और TP लिंक के नाम से आ रहा है। देखिए इनकी स्ट्रेंथ कम है, अभी मुझे इनको पासवर्ड नहीं पता है, मुझे एक वाईफाई का पासवर्ड पता है और वो है P। ऐसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आपको देता है मैसेज, जो स्ट्रेंथ है उसकी काफ़ी लो है, दो सिग्नल ही आ रहे हैं मेरे पास, 32% सिग्नल स्ट्रेंथ है। अब देखिए यहाँ पे बेस स्टेशन वाईफाई नेम हमारा P हो गया, वाईफाई पासवर्ड हमारा कनेक्ट, जो पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे जो हमारे P राउटर का, मतलब जो हमारे मेन राउटर का पासवर्ड है वो हम यहाँ पे डालेंगे, फिर इसको ओके कर देंगे तो हमारा कनेक्शन स्टेबलिश हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सल रिपीटर में क्या होता है, सेम चीज़ है, इसमें भी आपको P का पासवर्ड डालना है और कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपका जो ये राउटर होगा, मैंने बताया था अभी आपको, ये आपके जो वाईफाई का नेम होगा यहाँ पे, तो ये सिर्फ सिग्नल स्ट्रेंथ का काम करेगा, सिग्नल को बूस्ट कर देगा, पर आपको शो सिर्फ वही होगा P के नाम से, सेम राउटर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देगा वो आपका, और आपका पासवर्ड जो रहेगा वो मेन राउटर करेगा। पर मैं आपको आज WIPSP करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए बेस स्टेशन वाईफाई नेम P, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, मैंने अपना पासवर्ड डाला और ओके किया, आपको देखिए एक मैसेज देता है, इफ़ यू इनेबल WISP मोड द राउटर विल बी रिव्यूड, आर यू श्योर टू इनेबल दिस मोड, मतलब जब हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारा राउटर क्या होगा, वो रिबूट होगा। ओके करते हैं हम, देखिए हमारा राउटर रिबूट हो रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी हमारा डिसकनेक्ट है कनेक्शन, ये देखिए हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है, राउटर से कनेक्टेड भी हो गया है, कनेक्टेड योर सर्फ इंटरनेट, एक डिवाइस हमारा अटैच है, ठीक है। ये डिवाइस यहाँ पे वो डिवाइस शो करेगा जो आपको मेन राउटर से कनेक्ट है, तो यहाँ पे अब जो मेन राउटर पे हमारे डिवाइस कनेक्ट हुए हैं वो एक है। स्पीड डाउनलोड स्पीड क्या दे रहा है, अपलोड स्पीड क्या दे रहा है वो ये दिखा रहा है यहाँ पे, और देखिए इसने हमारी WAN IP उठा ली है, जो WAN IP हमारी क्या है वो 192.168.1.7 जो इस राउटर की है हमारी, डायनेमिक IP है, कनेक्शन ड्यूरेशन अभी 35 सेकंड ही हुए हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश किए हुए, और WAN MAC है, डिफॉल्ट गेटवे है। कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद हम अपने मोबाइल में आपको दिखाते हैं, मैंने अपने दिखा, अभी मेरा जो मोबाइल है वो P से कनेक्टेड है। अब मैं इसको आपको अपने पलका नगरी जो मैंने अभी कनेक्शन बनाया है उससे कनेक्ट कर दिखाता हूँ। मैंने पासवर्ड दिया अपना, जो मैंने पासवर्ड रखा था 1234567 8 और 12। कनेक्शन पासवर्ड देने के बाद हम कनेक्ट करते हैं, ये देखिए मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब हम आपको टेस्ट करके दिखा दें कि इंटरनेट वर्किंग है
या नहीं। तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ब्राउज़र में जाके मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा यूट्यूब ओपन हो गया है, मतलब कि मेरा इंटरनेट वर्किंग है। और आप ऊपर से देख सकते हैं कि सिग्नल की स्ट्रेंथ भी स्ट्रोंग है। तो ऐसे आप अपने सिग्नल को बूस्ट कर सकते हैं। Thank you.
आपकी यहाँ पर ये केबल हमने लगाई, अब फोन टाइम